तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट कितनी करें कि सर मैं तो मुझे समझ में ही नहीं आता मैं किसी को ज्यादा प्यार कर देती हूँ या मैं किसी को कम प्यार कर देती हूँ या कर देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात ये है कि अगर आप ओवर इन्वेस्ट करते हैं तो दिक्कत ये है कि वो आदमी आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। अंडर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आदमी आपको बोलेगा कि यार ये शायद ना ये मुझे प्यार ही नहीं करता या ये आदमी मुझ में अट्रैक्टेड नहीं है, और वो फिर वो प्यार कहीं और से ढूंढने की कोशिश करेगा। द पॉइंट इज रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से होगी। पहली बात, द अदर पर्सन हाउ मच दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड इमोशंस। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कितना वो दूसरा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मत सोचना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसा दे रहा है कि नहीं, गिफ्ट दे रहा है कि नहीं, और ये सब चीज़ें घुमाने ले जा रहा है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर वो आपको हफ्ते में एक बार घुमाने ले जा रही है या ले जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको प्यार कर रहा है या बहुत बहुत मेरा बाबू तो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द पॉइंट इज कि वो डेली इन्वेस्ट कितना कर रहा है आप पे। क्या वो डेली अपने दिन का कुछ टाइम सिर्फ आपके लिए बचा रहा है कि वो कह रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। इफ़ ही नो कि हाउ टू बैलेंस द लाइफ। दिक्कत ये क्या है, आप 30 मार्का नहीं हो तो वो भी 30 मार्का नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस हिसाब से बैलेंस करना है तो उसे भी नहीं पता। वो भी यही कर रहा है कि जब मन किया ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया किसी दिन या किसी वीक, और किसी वीक बिल्कुल कम इन्वेस्ट कर दिया। उसकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है रिलेशनशिप में, जो फ्लक्चुएट ग्राफ बनता है रिलेशनशिप का कि सर हमारी तो हर तीसरे दिन लड़ाई हो रही है, हर चौथे दिन लड़ाई हो रही है। दिक्कत क्या आ रही है, बैलेंसिंग नहीं है। 2 दिन तो बहुत ही आप आउट ऑफ द बॉक्स चले गए कि यार बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, 24 घंटे पूछ रहे हैं, एंड थर्ड डे यू गेट बिजी इन समथिंग। तो दिक्कत ये आ रही है कि उस टाइम पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट का जो मैंने एक एग्जांपल अपनी वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट इतना करना है जितना चाय को अगर बिस्किट में डुबोएं तो वो बाहर निकल के आ सके, ठीक है, टूट के अंदर ना गिर जाए। सो पॉइंट इज कि प्रायोरिटी आपकी हमेशा आप रहोगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ से समझ में आएगी, अब मुझे ना यहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा अगली बार से। इन्वेस्टमेंट कैसे समझ में आएगी, वो प्रायोरिटी के बेस पे समझ में आएगी, कौन कितना ज़रूरी है। और कौन कितना ज़रूरी है ये कैसे समझ में आएगा, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट आप पे होगी। थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, मैथ वैथ के सोल्यूशन जैसा। सेट अ रूल फॉर योर रिलेशन। आपने बोला कि मैं इस स्टेज तक सहन करूँगी, तुमने मुझे 10 दिन फ़ोन नहीं किया, मैं 10 दिन फ़ोन तुम्हें करूँगी, पर 11वें दिन आई वॉन्ट यू टू कॉल मी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने रूल नहीं बनाए हैं, आप क्या कर रहे हो, अच्छा बाबू बिजी होगा, मैं आज कर लेती हूँ, दो कर लेती हूँ। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, आप एक तो दिक्कत ये है इतनी ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई है कि नाउ यू अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हिम और हर। इतना आप ये समझो, बैंक में 10 रुपये जमा कराओगे तो आप डरोगे कि 10 रुपये अगर लॉस हो गए तो कुछ हो गया, नहीं डरोगे। 20 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 शायद, 1 लाख बहुत ज़्यादा। जब आपकी मंथली, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मंथ में 1 लाख रुपए कमाते होंगे, ठीक है, अगर आपकी मंथली इनकम से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आप डरने लग जाओगे। वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई किसी इंसान में, कुछ लोग किसी को बस इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो ओवर इन्वेस्ट करना कर चुके होते हैं। वो कहते हैं सर 4 साल हो गए हैं, अब क्या छोड़े हैं, अब 4 साल में इतना ये हो चुका है। क्यों, इतना ओवर इन्वेस्ट कर दिया होता है कि अब वो डरते हैं कि कहीं कहीं ये छोड़ के ना चला जाए। और जब ये डर आता है, जब पहले ओवर इन्वेस्टमेंट हुई, फिर ये डर हुआ, और ये डर की वजह से दैट अदर पर्सन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है, दैट अदर पर्सन नो कि यू अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हिम और हर, वो आपको जीने नहीं देगा। द पॉइंट इज कि आपने प्रायोरिटी पे उसको रख दिया, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा मतलब प्रायोरिटी नंबर वन, प्रायोरिटी पे आपने अपने आप को हटा दिया, फिर अपनी चीज़ों पे कंट्रोल दे दिया। बाहर जाऊँगी तो तुझसे पूछ के जाऊँगी,
घूमने जाऊंगा तो तुझसे पूछ के जाऊंगा, अगर बाबू ने बोला है कि दोस्तों के साथ बैठ के नहीं पार्टी करनी तो मैं नहीं करूंगा। फर्स्ट दिन आपने प्यार प्यार में कर दिया, उसके बाद वो तुम दारू नहीं पियोगे, तुम पार्टी नहीं करोगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम बाहर नहीं जा रही हो, तुम आप फेसबुक पे किसी से चैटिंग नहीं करोगे, किसी लड़के को फॉलो नहीं करोगी, ठीक है, तो किसी लड़की को फॉलो नहीं करोगे या किसी लड़की को फॉलो नहीं करोगे, बहुत किडिश थिंग है, बहुत पर चल रहा है ये। जो लोग उम्र में बड़े हैं उनको, उनके लिए थोड़ी से ऐसे लग रहा होगा, बट जो उम्र में छोटे हैं उनको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल जो अपना रहे बना रहे हो अपने रिलेशनशिप में इज प्रायोरिटाइज योर लाइफ, है ना, प्रायोरिटी नंबर वन इज यू, समझ रहे हो। और प्रायोरिटी नंबर वन पे अपने आप को रखने का मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हूं, इसका मतलब मैं हमेशा बताता हूं ना कि तुम हो पर मैं भी हूं, ठीक है, तो ये समझना है कि तुम हो पर मैं भी हूं, ये बोलना है उसको, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी को ओवर इन्वेस्टमेंट जब आप कर देते हो तो वो अदर पर्सन कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कई बार चीट किया पर स्टिल उसने अपने बॉयफ्रेंड को माफ कर दिया, और मेरे सामने की बात है कि रंगे हाथ पकड़ा है, ठीक है, पर फिर भी माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, इसीलिए क्योंकि वो डरती है उसको खोने से, क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। दैट इज अ रूल नंबर वन ऑफ रिलेशनशिप, कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करें, अपने स्किल्स को, अपने जिंदगी के करियर को और अपने आप को प्रायोरिटी नंबर वन पे रखें। फिर प्रायोरिटी नंबर टू आती है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हर चीज़ में पहले मैं, कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, पर आपको ये समझना है जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्या वो आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। जैसे कि आप समझो कि उस सिचुएशन में आप कभी गाड़ी की बैक सीट पर नहीं बैठते, ठीक है, जैसे मैं ऐसा आदमी हूँ, या तो मैं को ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ या मैं ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ, मैं कभी बैक सीट पे नहीं बैठता, आई हेट सिटिंग इन द बैक सीट, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि भैया बैक्स, वो लड़की बोले कि तुम्हें तो हमेशा बैक सीट पे ही बैठना पड़ेगा, तो क्या मैं ये कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म कर सकता हूँ? मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना पासवर्ड अपने बॉयफ्रेंड को दे रहे हो, मुझे प्रॉब्लम ये है कि फिर आप आगे जाके मत बोलना कि उसने, वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुस रहा है, क्योंकि यू आर द वन हु इज़ गिविंग दैट प्रायोरिटी दैट पर्सन, कि अपनी जगह से उठकर आप उसे अपनी जगह दे रहे हो, ओके, तो आप उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ओके, ये है हमारा प्रायोरिटी का रूल नंबर वन, और आगे रिलेशनशिप का रूल नंबर वन, जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं अपनी लाइफ को, जहाँ पे हम अपने आप को पहले नंबर पे रखते हैं फ्रॉम द डे वन। ये याद रखिए, अगर आप रिलेशनशिप के बीच में हैं तो इसको स्लोली ग्रेजुअली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। आप ये नहीं कर सकते कि भैया आज मैंने सोच लिया अपनी अपने बॉयफ्रेंड को, अभी जाके लाइव सेशन ख़त्म होते ही जाके बोला सुन मेरे पासवर्ड सब मैं चेंज कर रहा हूँ, ऐसा है कि तू देख ले अपना, तो दिस इज़ गोइंग टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप, ये याद रखिएगा। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट, अभी तक आप रिलेशनशिप के सेंटर में हैं, कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, पुराना ही है, तो उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको बीच में आप डालना शुरू कीजिए, कि थोड़ा थोड़ा, कि यार आपने उसको बताया कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। और दूसरी बात, आप ये तभी कर पाएंगे जब आप ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं कर चुके होंगे। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट अभी कर दिया है तो क्या करें, है ना, कि अभी तो कर दिया ओवर इन्वेस्टमेंट, अब क्या करना है सर, अब तो लुट गए क्या करें। तो द पॉइंट इज कि ओवर इन्वेस्टमेंट अगर हो चुका है तो उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कीजिए, जहां से रिस्क भी कम करना होना स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट समथिंग इन योर लाइफ, कि अगर आपकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है तो डू समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर लाइफ। जैसे मेरे पास जब कुछ भी नहीं होता आई राइट पोइट्रीज, जब और भी कुछ नहीं होता तो आई स्टार्ट वर्कआउट, जब और भी कुछ नहीं होता तो आई स्टार्ट कुकिंग माई डाइट, ठीक है, डाइट मैं प्लान कर लेता हूँ, उससे मैं और बिजी हो जाता हूँ कि यार आज रात को मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी करना है, तो आई एम सो बिजी इन माई लाइफ कि आई डोंट हैव टाइम फॉर द अदर थिंग्स। तो पॉइंट ये है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को कम कैसे करोगे,
व्हेन यू इंटीग्रेटेड समथिंग इन योर लाइफ। समझ रहे हो कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा डाल दिया जो शायद अब नया टाइम ले रहा है आपकी लाइफ का, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट उससे हटकर अब इधर आने लग जाएगी। अभी से कम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट मतलब ये मत समझना कि सिर्फ मैं टाइम की बोल रहा हूँ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी बोल रहा हूँ, कि जहाँ आप इमोशनली सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड हो गए हो। ओके?